आपको अगर चाहिए आप आकर के मांग के ले जाइएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं संक्षेप में तीन बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, प्रभु यीशु मसीह की जन्म किस तरह हुई। दुनिया में बहुत देवताएं हैं, लेकिन हर किसी के जन्म के बारे में अगर सवाल करेंगे तो कुछ लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। लेकिन बाइबल धर्म शास्त्र अस्पष्ट तौर से प्रभु यीशु मसीह की जन्म के बारे में एकदम साफ संदेश देती है, नंबर एक। अब दूसरा, प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्म लिया, एक कैसे जन्म हुआ। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का क्यों जन्म हुआ, क्या आवश्यकता और जरूरत पड़ गई। तीसरा, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, समस्त दुनिया में रहने वाले मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। मैं बारंबार आपको बोल नहीं सकता हूं, या मैं इसको मतलब बारंबार मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, समय के अभाव है। इसलिए आप बहुत मेहनत करके, कष्ट करके यहां तक आए हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सभी बातों को भूल जाइए। आधा घंटा कम से कम मेरी बात पर आप ध्यान दीजिए, ताकि आपके लिए एक इसमें आशीष भरी संदेश है जो मैं बोल रहा हूं। इसमें बहुत सारे आपके अंदर सवाले हैं, उन सवालों का जवाब आपको इस आधा घंटा में जरूर मिलेगी, क्योंकि बाइबल धर्म शास्त्र इसमें जो वचन है, इसमें जीवन है, जो आपके जी में जी लाएगी, आपके दुखों को दूर करेगी, आपकी बीमारी से आपको चंगाई देगी, आपकी तमाम समस्याओं में से आपको छुटकारा देगी, आपको अंधकार में से ज्योति में लाएगी, आपके जीवन में एक नवीनीकरण काम को इस वचन आपके जीवन में कर सकती है। कई एक सवालों के साथ आप बैठे हैं, तो आपकी सारे सवालों को जवाब देने के विचार से मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आधा घंटा सिर्फ आप सभी बातों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, और आप अपना ध्यान पे यहां पर केंद्रित कीजिए, ताकि आप इस बात को समझ सके। मैंने तीन सवाल के साथ इस संदेश को आपके सामने लाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस तरह हुआ है। पुराने नियम में आपके पास एक किताब नहीं है, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए मदद करने के लिए यहाँ पर दो जन कर रखा हूँ जो पढ़ के सुनाएंगे, आप सुन सकते हैं। आपके पास अगर बाइबल धर्म शास्त्र है, आप अपना बाइबल धर्म शास्त्र को खोल के पढ़ सकते हैं, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसकी ध्यान दीजिएगा, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसमें 9 अध्याय को आप खोल के रख लें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पुराना नियम है, सैकड़े साल के पहले या हजार साल के पहले एक भविष्यद्वक्ता इस संसार में था जिसका नाम यशाया। उस भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में वो दुनिया के लोगों को भविष्यवाणी करता है, समस्त दुनिया के लोगों को भविष्यवाणी करता है, समस्त दुनिया के लोग प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए, उद्धारकर्ता के बारे में जानने के लिए, और दुनिया में रहने वाले, समस्याओं में रहने वाले, दुख में रहने वाले, तमाम प्रकार की बीमारी में और पीड़ा में, तकलीफ में और नाना प्रकार के चिंता के साथ रहने वाले जितने लोग हैं मानव जाति में, उन सबके लिए ये संदेश यीशु मसीह के जन्म के पहले दिया जा रहा यशाया नामक एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा। देखिए किस प्रकार बताया जा रहा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में मैं बता रहा हूं, किस प्रकार उसकी जन्म हुई, वहां से मैं जड़ से मैं आपको इस समय में बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ध्यान दीजिए 9 अध्याय, उसमें हम 6 और 7 पद को सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि ये शब्द आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए, ये शब्द का अर्थ आप समझ रहे हैं, यीशु क्यों, यीशु प्रभु इस संसार में जो जन्म लिया है उसमें शुरुआत इस प्रकार है, प्रभु यीशु के बारे में इस प्रकार बतलाया जा रहा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे और प्रभुता उसके कांधे पर होगी,
और इसका नाम अद्भुत और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह के बारे में इन सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, बतलाई जाती हैं। यीशु का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, आपके जीवन में यीशु अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, और प्रभु यीशु मसीह का शांति का अंत न होगा। इसलिए वो अर्थात परमेश्वर यीशु मसीह को दाऊद की राजगति पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की धूम के द्वारा यह होगा, धूम के द्वारा ये संदेश हुआ है। भाई बहन, मैं सभी बातों को बतला नहीं सकता, मैं ऊपर बातों को आपके सामने ला रहा हूं क्योंकि बहुत गहरी बात है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। इसी किताब में 7 अध्याय, ध्यान दीजिए, इसी किताब में 7 अध्याय, वहां पर हम पढ़ेंगे 14 और 15 पद, 14 और 15, 14 और 15 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, जो समस्या में रहने वाले दुख में, कष्ट में, पाप में, अंधकार में, दुनिया में, शैतान के बंधन में पड़े रहने वालों के लिए ये एक चिन्ह दिखाया जाएगा। वो बतलाया जा रहा है इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना। जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने तब तक खाएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जब तक वो भला बुरा नहीं जानेगा तब तक, इतिहास में आपको बतला रहा हूं, तब तक क्या खाएगा, मक्खन और मधु खाएगा। ध्यान दीजिए भाई बहन, मैं सभी बातों को आपके सामने बोल नहीं सकता हूं क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन मैं खास बात का आपके सामने ला रहा हूं। हमारे लिए एक चिन्ह दिखाई देगा, हमारे लिए परमेश्वर एक ऐसा समय को लाएगा कि उस समय मैं या आप, दुनिया के हर कोई, अब आगे हम कैसे जिएंगे, आगे हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा, आगे हमारा भविष्य कैसे होगी, कल का हमारे लिए क्या कैसा दिन रहेगा। भाई बहन, दुनिया में रहने वाले हर किसी के लिए परमेश्वर हर किसी के साथ एक वाचा बांधता है। जैसे हम किसी का हाथ पकड़ के बोलते हैं, मैं कसम खा रहा हूं मैं आपको दे दूंगा, मतलब 1000 रुपया आप किससे लिए, 5000 लिए, 10000 लिए, देने के समय में आप बोलेंगे, लेने के समय में आप भाई विश्वास की करो, मैं कसम खा रहा हूं आपको दे दूंगा। तो उसी हिसाब से परमेश्वर हम मानव जाति से कसम खाने के जैसे है, यहाँ एक शब्द हमारे लिए देता है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। वो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह, ध्यान दीजिएगा, इस संसार में यीशु मसीह के जन्म होने से पहले ही इस प्रकार के भविष्यवाणी की गई थी। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया, उस समय किस प्रकार जन्म लिया, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक नया नियम में, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय 18-19-20 पद के एक साथ हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी पहला अध्याय 18-19-20 पद को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ है कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक व्यक्ति के साथ हो गई, तो उनकी शादी होने से पहले जैसे हम लोगों का नियम है, एक शादी होता है, दूसरा गौना होता है। शादी को मान के चलिए एंगेजमेंट, यहाँ बाइबल में लिखा
मंगनी, एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, मंगनी हो गया लेकिन शादी नहीं हुआ, शादी कब होगा नहीं मालूम है, लेकिन मंगनी हो गया। मरियम और यूसुफ दोनों को शादी के लिए मंगनी हो गया, तय हो चुका है। इस समय स्वर्गदूत आकर के उनसे बात करता है, किस प्रकार बात करता है कि तो उनके इकट्ठे होने से होने के पहले से वह पुत्र वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। बाइबल धर्मशास्त्र स्पष्टता उसे बतलाती है प्रभु यीशु मसीह की जन्म या उत्पन्न परमेश्वर का जो स्वर्गीय पवित्र आत्मा है उस पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम जो कुंवारी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी उसकी कोख में पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा बच्चा उत्पन्न किया गया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसी रीति से हुआ था। 19 पद को पढ़ेंगे, सो उसके उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना और मरियम को शादी होने से पहले बच्चा होने वाला है वो ये नहीं चाहता था कि हम इस लड़की को बदनाम कर दूं, इसलिए वो क्या सोचा है मन में, सो यूसुफ जो उसकी पति होने वाला था उसने वो व्यक्ति धर्मी था और उसे उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देना, उसे चुपके से मन ही मन में सोच रहा चुपके से उसको हम छोड़ दूं, मैं उससे अलग हो जाऊं क्योंकि उसको बदनाम ना करूं, अच्छा विचार क्योंकि वो व्यक्ति धर्मी था। तो आप समझ सकते हैं एक कुंवारी लड़की को अगर बच्चा जन्म होगा तो समाज क्या बोलेगी, दुनिया क्या बोलेगा, माँ बाप क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेगा, जिस लड़का के साथ मंगनी हुआ है उस लड़का और उसके घर के लोग क्या बोलेंगे, किस प्रकार ये शादी हो सकती है, इस प्रकार के बड़ी समस्या के बीच में वो व्यक्ति धर्मी होने के कारण वो सोचता है नहीं 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 हम उस लड़की को बदनाम नहीं करेंगे। कभी कभी हम किसी किसी को बदनाम कर देते हैं। भाई बहन परमेश्वर हमारे एक शिक्षा देता है कि जो परमेश्वर के ओर से है उनको हम बदनाम करना छोड़ दें। हालेलुया हालेलुया। बात को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। 20 पद में लिखा जब हुआ इन बातों के सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत आकर के यूसुफ से कहा कहने लगा हे यूसुफ दाऊद की संतान तुम अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर क्योंकि जो उसकी गर्भ में जो बालक है जो बच्चा है जो बच्चा उसकी कोख में है उसके बारे में स्वर्गदूत स्वर्ग से आके उस व्यक्ति से बोलता है जो मरियम की पति बनने वाला था उससे कहता है क्या कहता है कि जो उसकी कोख में है जो उसकी गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की दो बार यहाँ पर लिखी गई है, एक बार नहीं दो बार, कोई भी बात दो गवाही से कंफर्म होता है, दो जन एक साथ बोल रहा है, कभी कभी बोलते एक नहीं बोलता दो बोलता है। तो इसी बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। एक बात को यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूं ध्यान दीजिए 23 पर कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारा साथ है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। एक नाम है इमानुएल, इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। इस बात को आप कैसे समझिएगा, परमेश्वर अगर हमारे साथ नहीं होता ये पर्व आज यहाँ नहीं मनाया जाता, दुनिया में नहीं मनाई जाती। क्यों? इस पर्व मनाने का महत्वपूर्ण मकसद ये है कि परमेश्वर हमारा साथ करके दुनिया में रहने वालों को वो प्रकट करना चाहा, इस कारण उसने अपने एकलौते पुत्र के संसार में भेजा। ध्यान दीजिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, जैसे हम लोगों की जन्म हुई माँ बाप के द्वारा उस तरह प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है क्योंकि वो खुद साक्षात परमेश्वर का पुत्र है, उसको इंसान कैसे जन्म दे सकता है, इस बात को समझ लीजिए। ये एक है।
लेकिन या ये या तीन बात को मैं बोल रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए समय का अभाव है। एक बार बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा कि जो जन्म हुआ है प्रभु यीशु मसीह का, एक कुमारी के गर्भ में से हुआ है। दूसरा, जन्म होने से पहले ही नाम रखा जा रहा है, उसका नाम है इम्मानुएल करके रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बगल वाले से कहिएगा उनका हाथ पकड़ करके आप मुस्कुराते हुए, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, बोले बोले सब कोई बोले, थकावट भी दूर हो जाए। बोले बगल वाला हाथ पकड़िए, थोड़ा अच्छे से मुस्कुराइए, ऐसा मुस्कुराइए बगल वाला डरे ना। ठीक, परमेश्वर आपके साथ। यीशु मसीह के जन्म क्यों हुआ है, ये संदेश हम तक पहुंचाने के लिए कि परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा साथ है? हाथ उठा के एक जोरदार हालेलुया बोले। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। ध्यान दीजिए, नंबर टू, मैंने कहा था कि वो क्यों जन्मा, एक जन्म किस प्रकार का हुआ है, दूसरा क्यों जन्म लिया, यीशु मसीह का जन्म लेने का क्या जरूरत पड़ गई, आपके जीवन में यीशु मसीह की क्या जरूरत है, मेरे जीवन में यीशु मसीह की क्या जरूरत है, संसार में रहने वाले हर इंसान के जीवन में यीशु मसीह के जन्म से क्या मतलब होता, दोनों का क्या कनेक्टिविटी है, दोनों का क्या गठजोड़ है, दोनों के क्या रिश्ता है, मेरा और यीशु मसीह के जन्म के साथ क्या रिश्ता है, आपका यीशु मसीह के जन्म के साथ क्या रिश्ता है, संसार के हर इंसान को यीशु मसीह के जन्म के साथ क्या रिश्ता है। मैं आपको इसकी सफाइया देना चाहता हूँ, साफ तौर से आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, बात ना आप अपने समझ लेंगे, आप अपने बतलाएंगे सही बात है। मेरे जीवन के साथ यीशु मसीह का जन्म की यीशु मसीह के जन्म मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ, हम दोनों के साथ एक गठजोड़ है, इसका आप मानेंगे। ध्यान दीजिए, इसी किताब में पहला मत्ती सुसमाचार पहला दिया है, उसमें 21 पद है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, उसमें आपके मेरे साथ उसका जन्म होने से क्या मतलब है, समाज दुनिया के लोगों के साथ क्या मतलब है, पढ़ेंगे। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि यीशु अपने लोगों का उनकी पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में होने का ये कारण है, आपके जीवन में मेरे जीवन में जो पाप था, उस पाप में से हमें उद्धार करने के लिए यीशु जन्म लिया है। यीशु का जन्म होने का कारण, महत्वपूर्ण कारण, हम सबों के जीवन में जो पाप है या पाप था, उसमें से हमें उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया है। तो इसलिए मैंने आपको 23 पद में एक बार पहले भी पढ़ के सुनाया था कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र की जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बताती है उसका अर्थ परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर हमारा साथ आने का कारण हमारा जीवन को उद्धार करना चाहता है। हालेलुया, इंसान परमेश्वर के पास आना चाहता है या नहीं चाहता है वो अलग बात है। जैसे हमारे भाई विवेक ने कहा, हम सब कोई कभी कभी प्रभु को छोड़ देते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। ताली बजा के परमेश्वर, हम सब कोई कभी कभी अपने समय के अनुसार या अगर खोल के बोले आपके पाप के अनुसार आप कभी परमेश्वर को छोड़ देते होंगे। आपके पाप के अनुसार जब आप पवित्र जीना चाहेंगे उस समय परमेश्वर को पकड़ते होंगे, जब आप पाप करना चाहेंगे परमेश्वर से अलग हो जाते होंगे, बैल धर्मशास्त्र बतलाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह के जन्मदिन का महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। परमेश्वर क्यों अपने पुत्र को इस संसार में आता यीशु मसीह के जन्म होने दिया, इसका एक महत्वपूर्ण संदेश है। परमेश्वर हमारा साथ रहना चाहता है। आप अपने सोचिए, आपके साथ कितने लोग थे, उनमें से कितने लोग अभी है और कितने लोग छोड़ के चले गए, आप कितने लोगों को छोड़ दिए। आप मेरी बात को समझे, मैं जल्दी जल्दी समय को बचाने के लिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपके साथ कितने लोग थे, अभी कितने लोग हैं, कितने लोग आपको छोड़ के चले गए, या आप कितने लोगों के साथ थे, कितने लोग आप उन लोगों के साथ कितना आप हैं। इंसान में ये कमी है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है।
इसलिए वो परमेश्वर है, वो कभी गलती नहीं करता। ताली बजाते अगर हम परमेश्वर में गलती ढूंढना चाहे हमारा सारा बाल जड़ जाएगा या मर जाएंगे, लेकिन एक भी गलती उसमें से हम निकाल के दिखा नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह इस संसार में जब अपने सेवकाई को शुरू किया था, उसने खुलेआम लोगों के सामने चुनौती दिया कि देखो संसार का अधिपति शैतान आ रहा है, लेकिन उसका कोई भी चीज मेरे अंदर नहीं है, उसका कोई भी पाप मेरे अंदर नहीं है, उसका कोई भी अपराध मेरे अंदर नहीं है, उसका कोई भी गुनाह मेरे अंदर नहीं है, उसका कोई भी चाल चलन मेरे अंदर नहीं है, उसका कोई भी चरित्र मेरे अंदर नहीं है। अगर एक लाइन में कहा जाए उसका आवाम पर नहीं लग रहा, मैं लगने नहीं देता हूं। ध्यान दीजिए भाई बहन, इस संदेश आपके लिए इसलिए दिया जा रहा है, हम इंसान जरूरत के अनुसार इंसान को साथ में पकड़ के रखते हैं, जरूरत नहीं तो हाथ धो देते, लेकिन ईश्वर वैसा नहीं करता। इसीलिए वो ईश्वर है, क्योंकि वो हरदम हमारा साथ रहना चाहता है। ताली बजा के परमेश्वर को मैं यहाँ पर एक और बात को जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्यों यीशु मसीह जन्म लिया इस संसार में, और उसके बारे में बोल रहा हूँ। इसी किताब में चार अध्याय, थोड़ा रफ्तार पकड़िए, और 15 मिनट हम आपका समय लेंगे, उसके बाद हम सबको मिलकर के प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, चार अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 14 पद से लेकर 17 पद तक एक साथ पढ़ेंगे, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता करके मैंने एक अजनबी या एक भविष्यद्वक्ता के बारे में शुरुआत में कहा था, उस व्यक्ति जो कहा था अभी ये वास्तविक बन रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई का जब शुरू किया था, उस समय वो इस प्रकार शुरू करता है कि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि जबलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यर्दन के पार अन्य जातियों का गलील जो अंधकार में बैठे हुए थे। देखिए ये संदेश प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का संदेश यहाँ पर है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। ध्यान दीजिए भाई बहन, मैं आपसे पहले कह दिया 15 मिनट और समय ले रहा हूँ, लेकिन इस 15 मिनट आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और विशेष समय है, जो आपके जीवन में विशेष लाभ और आशीर्वाद को पहुंचाने वाला समय है। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ, क्या आप अंधकार में रहते हैं कि नहीं? और वैदिक धर्मशास्त्र बतलाते मृत्यु के देश के मृत्यु के छाया में रहने वाले, या इस प्रकार लिखा जो मृत्यु के देश के और छाया में बैठे थे। क्या मृत्यु का डर आपके अंदर है कि नहीं? क्या आप अंधकार में रहते हैं कि नहीं? जो हम पाप करते हैं इंसान वही अंधकार है, जो व्यक्ति पाप नहीं करता है वो ज्योति में रहता है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति होने के कारण अपने साथ रहने वालों को ज्योति में ले चलना चाहता है। जो अंधकार में रहता है वो पाप में रहता है, श्राप में रहता है, और वो मृत्यु के डर भय में रहता है। हर वक्त कोई उसके पीछा ना भी करे, लेकिन वो डर के मारे, आप कभी कभी बच्चों को देखे होंगे, मान लीजिए इस कोना में लाइट जल रहा है, इस रोड में नीचे, और उस लास्ट में लाइट जल रहा है, बीच में घोर अंधकार, बच्चा आराम से चल सकता पैदल, क्या करेगा? आप किए ना पास्टर जी, आप बहुत ज्यादा होशियार। मैं किया था, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, मैं उस उम्र में मैं किया था। तो मेरी मम्मी कुछ खरीदने के लिए बोलेगी, दुकान उस तरफ है और बीच में उस तरफ लाइट है, इस तरफ लाइट है, बीच में पूरा बोर अंधकार था। मैं घर के सामने उस समय में, तो आपको लगेगा मेरे पास मजाक जैसे, तो हम उसी समय में तो इतना उम्र में गाड़ी रखते थे, ऐसे मुंह में ऐसा हाथ पकड़ते थे, किक मारते थे उर करके, डर के मारे और कुछ नहीं। आप कभी कभी ब्लसी को देखिएगा, हेमंत का छोटी बेटी ऐसे ही बात करेगी, दादा आप कहाँ हैं, दादा आप कब आ रहे हैं, मतलब मोबाइल नहीं आते से। तो इसी तरह हम भी साइकिल चलाते थे, क्या इसका कारण? डर के मारे, बीच में कहीं भूत आ जाएगा तो, शैतान आ जाएगा तो, ये आ जाएगा तो, वो आ जाएगा तो। आप रोशनी में जब चलते हैं आराम से चलते हैं ना, और जब थोड़ा सा अंधकार कहीं अंधेरा होता है उस समय में
आजकल हमारे हिंदुस्तान में हर जगह में डर लगता है, इतना गैंग रेप हो गया देश में, उसके चलते हर इंसान को असुरक्षा महसूस होती है। जान दीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ दो शब्द गंभीर है, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के साथ वो शब्द जुड़ा हुआ है। किस प्रकार? इस प्रकार लिखा है कि अंधकार में रहने वाले और मृत्यु के छाये में बैठे हुए लोग। क्या आप अंधकार में रहते हैं कि नहीं? आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, जो भी इंसान पाप करता है वो अंधकार में रहता है, और जो भी इंसान पाप करता है मृत्यु का डर भय के दबाव में आ जाता है। कितना साल जिएंगे उसके बारे में नहीं सोचता, और कितने दिन में मर जाएंगे करके इंसान घबराने लगता है। भाई बहन ध्यान दीजिए, ऐसे रहने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया है। क्यों? इनको अंधकार से छुड़ाना है, इनको मृत्यु से बचाना है। दुनिया में रहने वाले लोग, इस पर ध्यान दीजिएगा, कई देवी देवताओं के बारे में हम सुने होंगे कि नरसंहार करने के लिए कई अवतार लेकर के आए हैं, लेकिन उद्धार करने के लिए किसने मानव जाति के लिए जन्म लिया है उसके बारे में और कोई है तो आप ढूंढ लीजिए, लेकिन मैं जो जानता हूं उसके बारे में बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करने के लिए जन्म लिया। एक पाप से उद्धार करना, एक अंधकार से उद्धार करना, एक मृत्यु से उद्धार करना, एक श्राप से उद्धार करना, एक दुख से उद्धार करना, एक चिंता से उद्धार करना, एक डर से उद्धार करना। इस प्रकार जो दुनिया में रहने वाले इंसान को इस प्रकार की बातें जो शैतान की है दबा के रखा है और इंसान को जीने नहीं देता है, इंसान को तंग करता है, इंसान को रुलाता है, इंसान को बेचैन करता है, इंसान को अशांत करती है, इस प्रकार की बातों से इंसान को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ना नाम पूछता है, ना जाति पूछता है, ना कोई किसी का धर्म पूछा है। उसके इंसान से मतलब है, क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र है, इंसान की सेवा के लिए इस संसार में जन्म लेके आया। अगर अच्छा लगता ताली बजा के एक बार नाम से, किसी के पैसा से, किसी के दम दौलत से, किसी की जाति से, किसी की पढ़ाई से, या किसी की धर्म से मतलब है। प्रभु यीशु मसीह इंसान को बचाने के लिए, इंसान को छुड़ाने के लिए, इंसान को उद्धार करने के लिए, इंसान को अंधकार से, इंसान को प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है, जो आपको उद्धार करने के लिए, जो आपको छुटकारा देने के लिए, जो आपको छुड़ाने के लिए, जो आपके जीवन में कार्य करने के लिए, जो आपके जीवन में शांति आनंद खुशी आशीर्वाद को पहुंचाने के लिए, जो आपके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए, जो आपके जीवन के डर को खत्म करने के लिए, जो आपके जीवन में शैतान का बंधन है उस बंधन में से आपको संपूर्ण तौर से छुटाने के लिए प्रभु यीशु संसार में जन्म लेके आया। यीशु का जन्म, अब आप बताइए प्रभु यीशु मसीह के जन्म से आपको आपको संबंध की नहीं है, आप दुख में अगर रहते हैं, आप चिंता में रहते हैं, ये यीशु प्रभु आप ही के लिए इस संसार में आया है, आप ही के जीवन में काम करने के लिए, आप ही को आशीर्वाद देने के लिए, आप ही को शांति देने के लिए, आप ही को खुशी देने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आया है। भाई बहन ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बात और यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पुस्तक, ध्यान दीजिए प्रभु किस प्रकार आपको संदेश दे रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी उसके 8 अध्याय, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, 12 पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसमें 12 पद, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जगत का ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा भाई बहन, इस पर विशेष एक संदेश है, जगत का ज्योति है, ये नहीं है केवल एक गांव के लिए, एक नगर के लिए, एक शहर के लिए, या किसी बस्ती के लिए, या किसी जिला के लिए, या किसी देश के लिए। बाइबल धर्म शास्त्र बतलाते प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति है। हालेलुया, तो जगत का ज्योति, जगत में ज्योति फैलाने के लिए आया है। आपके जीवन में जितना अंधकार है उस अंधकार को मिटा करके आपको ज्योति में ले चलना चाहता है।
कितने लोग चाहते हैं कि मुझे अंधकार से प्रभु आप बचाइए, कि मुझे ज्योति में जीना है, मुझे ज्योति में रहना है, मुझे ज्योति में चलना है, मुझे ज्योति का संतान बनना है। हालेलुया, कितने लोग चाहते हैं कि ज्योति में रहने के लिए, आप उठा के जरा एक बार दिखाइएगा प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं तीसरी बात एक और बात पे यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए क्या किया, अब वचनों को पढ़ने के लिए समय नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान दीजिए, मैं सात बात को बोल रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेने के द्वारा, मैं सात नहीं सौ बात को बतला सकता, लेकिन समय को मन में रखते हुए सात बात को मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नंबर एक, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने से मानव जाति का क्या फायदा हुआ, मानव जाति के लिए क्या प्रभु यीशु मसीह संदेश देना चाहता है। सबसे पहले बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है, लूक का दूसरा अध्याय का 10 पद में लिखा है, डरो मत। जीवन में इंसान डरते 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 एकदम सुकुड़ जाता है, हर इंसान के अंदर डर है, कहीं ना कहीं हर इंसान दबाव में रहता है, हर इंसान के अंदर किसी ना किसी तरह, अगर आप शादीशुदे नहीं है आपको भी डर है, अगर आप शादीशुदे हैं बाल बच्चेदार हैं, एक बच्चा हो गया दूसरा बच्चा होने वाला है, या दो बच्चा हो गया तीसरा बच्चा होने वाला है, उससे आगे मत बढ़िएगा, खतरा आप खुद पैदा करते हैं, राइट, वो बात अलग है। ध्यान दीजिए, जब आपके परिवार में संख्या बढ़ने लगती है उस समय आपके अंदर डर ऑटोमेटिक आने लगता है, और जब आपको उम्र बढ़ने लगता है उस समय शादी की चिंता डर, नौकरी की चिंता डर, अच्छा पढ़ाई लिखाई किए डर, बेरोजगार, इस प्रकार कई प्रकार के डर आपको सताने लगती है। चिंता मत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जन्म लेने के बाद डरो मत। हालेलुया। अब दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म में सबके लिए आनंद की संदेश मैं देने के लिए आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों जन्म लिया, उसके आने से मानव जाति के लिए क्या फायदा है, यह लिखा है कि सबके लिए इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए वह आनंद का संदेश देने के लिए आया है। तीसरा, पृथ्वी में शांति को फैलाने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु प्रभु इस संसार में जन्म लेने के कारण पृथ्वी में शांति फैलाने के लिए आया है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेने से हम इस बात को समझते हैं परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि मनुष्यों में वो प्रीति को प्रकट करने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का एक जबरदस्त संदेश है, मानव जाति के लिए प्रभु ने इस प्रकार बतलाया है, तुम जैसे अपने से प्रीति रखते हो वैसे तुम्हारा पड़ोसी से भी प्रीति रखते हो। हालेलुया। हर कोई हम अपने से प्यार करते हैं, इसलिए रोज नहाते हैं, अगर आप रोज नहीं नहाइएगा इसका मतलब आप अपने से नफरत करते हैं। सच्चाई बोलिए, कौन कौन रोज नहीं नहाते, हाथ मत उठाइए, सच्चाई है, अगर आप रोज नहीं नहाते रोज नहीं खाते हैं अपने पैसा के अनुसार, रोज कपड़ा नहीं बदल सकते, किसी किसी को असंभव है, कोई बात नहीं, मतलब हमको हम बाल झाड़ते कि नहीं, पाउडर लगाते, क्रीम लगाते, तो गांव में जाइएगा लोग लेडीज लोग लिपस्टिक लगाते जाने देते, तो ये सब क्यों करते हैं, हम अपने से प्यार करते हैं ना, प्यार करते हैं ना, तो ये सब करने वाले ये भी सोचते हैं कि जो भी मुझे देखे सबसे ज्यादा सुंदर सुंदरी मैं हूं करके, समझे, तो ये संदेश आप फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, कैसा भी हो जाने दीजिए, हम अपने से प्रेम रखते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जैसे अपने से प्रीति रखते हो प्रेम करते हो वैसे तुम्हारे पड़ोसी से भी प्यार करो, इस संदेश को यीशु मसीह देने के लिए आया, वो प्रेम फैलाने के लिए आया। हालेलुया। छठवीं बात, पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह इस संसार से प्यार किए, अर्थात बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, लव गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर पूरा दुनिया से प्रेम किया, परमेश्वर, मैं फिर कह रहा हूं इस पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर सबके लिए,
हालेलुया। किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक परिवार के लिए, किसी एक झुंड के लिए नहीं, परमेश्वर सबके लिए, इसलिए वो सबसे प्यार रखता है। उस संदेश को फैलाने के लिए आया, और आपसे भी मैं कह रहा हूँ सबसे प्यार कीजिए। हालेलुया, सबसे प्यार कीजिए। सब किसी के साथ जिस तरह आप अपने से प्यार रखते हो, प्यार करते हो, उसी तरह दूसरे से प्यार करो। छठवीं बात लिखा है कि उस पर वो जो प्यार फैलाया है उसके चलते जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हालेलुया, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होंगे, और अंत में एक बहुत पृथ्वी और स्वर्ग को कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला एक संदेश प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है कि अनंत जीवन देने के लिए आया। हालेलुया, ये जो जन्म है, ये जो हमारे जीवन है, ये तत्कालीन है, यानी अंत होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा डरिए मत, ज्यादा से ज्यादा और आप 50 साल जिएंगे या 60 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, यही ना होगा तो ज्यादा से ज्यादा आप 100 साल पार कर गए, उसके बाद जीना भी नहीं चाहिए क्योंकि दूसरों को तंग करते रहते। उतना तंग मत कीजिए किसी को, समय पर चले जाइए, अच्छा रहेगा, राइट। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, मैं तुम्हारे लिए अनंत जीवन दिखाया। अब आप बताइए कि यीशु मसीह के जन्म के साथ आपका जन्म जुड़ा है कि नहीं, आपका जीवन जुड़ा है कि नहीं, कहीं ना आपको शांति चाहिए कि नहीं, अंधकार में रहना पसंद करते हैं, ज्योति में आना चाहते हैं, पाप करना चाहते हैं, पवित्र बनना चाहते हैं, शैतान के गोद में बैठना चाहते हैं या प्रभु यीशु के गोद में आना चाहते हैं। भाई बहन ध्यान दीजिए, यही क्रिसमस का संदेश है कि अंत में मैं कह रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मुख्य बात को बोल रहा हूँ। जैसे 2022 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था, उसी तरह एक बार और इस संसार में वापस आएगा। हालेलुया, एक बार आया था, एक बार आने वाला है। क्यों आने वाला है? एक बार आने का कारण, पहली बार जब आया था हम सबों को अनंत जीवन देने के लिए आया था, अब जो आएगा हम सबों को स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए वो वापस आने वाला है। तो कितना लोग यहीं रहना चाहते हैं, पास्टर जी, भैया जी, हम इस संसार में टीका ले लिए हैं, मैं टीकेदार हूँ, यही पर 200 साल रहूंगा, तो ऐसा रहना चाहता आप रहिए, टीकेदार बनिए। नहीं, जब प्रभु यीशु आएगा हम उसके साथ उस कभी भी जो अनंत नहीं होगा उस स्थान स्वर्ग राज्य में, मैं उस स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के साथ जो युगान युग तक विराजमान है, जीविता अमर है, अटल है, उस परमेश्वर के पास, उसके घर में, उसके आने के समय में मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा कहने वाला अपना दोनों हाथों को उठा के एक बार हिला के दिखाइएगा तो बहुत, आप इसका मतलब अच्छी तरह से समझ गए। मैं इसलिए हाथ उठाने के लिए बोल के, हिलाने के लिए इसीलिए बोला था, तो इसमें पता चलता था किसको किसको ज्यादा भूख लग रहा है, इसलिए बंद किए हुए हैं, सब उसी में बात हो जाएगा, राइट। आप सबको अच्छा से सुन लिए, समझ लिए, बगल वाले से एक बार पूछेगा, समझ में आया? समझ में आ गया? अरे सबको ताली बजा के एक बार। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, लगातार इस संदेश के बारे में सुनिए और प्रभु पर विश्वास रखिए, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपका कष्ट मिट जाएगा। देखिए, एक जंगल में एक बूढ़ी माँ थी, कैंसर बीमारी से ग्रस्त थी, ठीक है ना, 2 मिनट और समय थे। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और उनको पता चला किसी के माध्यम से, वो जिस जंगल में रहती थी उसके कुछ दूर में एक बहुत बड़ा शहर में बहुत बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो निपुण था कैंसर बीमारी को ठीक करने, वो डॉक्टर आने वाला करके उस बूढ़ी माँ को किसी ने बता दिया, आप आइए इलाज करा लीजिए। वो बोली थी, मैं इतनी बूढ़ी हूँ, चल फिर नहीं सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरा प्रभु मेरे लिए सहारा है। वो घर में झोपड़ी में बैठ करके जंगल में प्रार्थना करती थी,
मैं आपको बतला रहा हूँ उनके प्रार्थना और उनका विश्वास का प्रतिफल देखिए। जो डॉक्टर जाने वाला था उस शहर, उसकी गाड़ी बिगड़ गई, जंगल में फंस गया और वहां पर लोगों को ढूंढते रहा, कोई एक भी इंसान वहां पर उसको मिला नहीं। ढूंढते आखिर में उसी झोपड़ी के पास आया जहां पर वो बूढ़ी माँ थी। ताली बजा के प्रभु विश्वास का प्रतिफल है कि नहीं? विश्वास का प्रतिफल है। आप विश्वास कीजिएगा, जरूर उसका प्रतिफल पाइएगा। और उस डॉक्टर उस बूढ़ी माँ को उनकी झोपड़ी में जाके इलाज करते थे। परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं। परमेश्वर वो है, प्रभु यीशु मसीह वो है, आपके जीवन की सभी असंभव की बातों को वो संभव में बदल देगा। ताली बजा के अंतिम प्रार्थना करेंगे। करने से पहले हम सबको मिलकर के उसी गीत को गाएंगे।